हेलो गाइस, कैसे हो आप सब। वेलकम बैक टू माय चैनल उदय बोरी चावलॉग। आज मैं जा रहा हूँ भावनगर के बोल तालाब पे। और हाँ दोस्तों, आज का वीडियो बोल तालाब पे है, तो मिलते हैं डायरेक्ट बोल तालाब पे। तो दोस्तों, ये शिव जी का मंदिर है। तो दोस्तों, आप बोल तालाब का कुछ नज़ारा देखो पीछे से, मैं आगे से आपको नज़ारा दिखाने वाला हूँ। तो दोस्तों, फाइनली आपने सब कुछ देख लिया है। तो यहाँ पर बच्चों के लिए कई सारे झूले लगे हुए हैं, यहाँ पर पीछे गार्डनिंग एरिया है, कई सारे पब्लिक प्लेस है। तो इधर आप अपनी फैमिली के साथ, दोस्तों के साथ कुछ भी और ऐसे भी टाइम स्पेंड कर सकते हो। जैसे कि आपने देखा तो आपको बोल तालाब, ये तालाब है, ऊपर तालाब है, ऊपर जाएंगे तो आपको तालाब देखने के लिए मिल जाएगा। वहाँ पर नर्मदा के पाइपलाइन लगे हुए है, उसका काम 146 करोड़ में निर्माण में हुआ गया है। नंबर 1 से आएंगे तो यहाँ पर आपको बड़ी नाव भी देखने के लिए मिल जाएगी। तो फाइनली गाइस, आप पीछे देख सकते हो, यहाँ योग हॉल है और यहाँ पर सनसेट के इस टाइम पर सब योगा करने आते हैं, सुबह के 7 बजे से और शाम को 6 बजे से। फिर यहाँ पर तो आप देख सकते हो, यहाँ पर बड़ी सी नाव है, इससे आप आओगे तो डायरेक्ट आप पहले वाले गेट पे निकल जाओगे।
तो दोस्तों पीछे नाव दिख रही होगी आपको, मैं अभी उधर से ही आया हूँ। तो पूरा इधर बोलतालाब का व्यू देख सकते हो, पीछे गार्डनिंग एरिया है यस, और पीछे आपको ऊपर के साइड तालाब भी दिख रहा होगा। इधर दोस्तों आप पीछे देख सकते हो डाइनिंग टेबल दिया गया है, फैमिली से फैमिली के साथ या फिर दोस्तों के साथ आए तो इस पर खाना भी शेयर कर सकते हो आप। पीछे की ओर दोस्तों आप देख रहे हो कि महाराज तख्त सीधी गोहिल का हॉल है, तो आपको नज़ारा दिखा रहे हो, देखो तो दोस्तों देखा कि आपने ऐसा कुछ बोलतालाब का व्यू था। तो अभी आप पीछे महाराजा कृष्ण कुमार सिंह जी का बंगलो देख सकते हो, वहाँ पर जाना मना है, वहाँ पर लोग बताने क्यों बातें करते हैं, वहाँ पर नहीं जाने देते हैं। तो आप देख सकते हो वो बंगलो है। तो दोस्तों वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर कमेंट एंड सब्सक्राइब करना मत भूलना, ऐसे व्लॉग के साथ आते रहेंगे और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।